अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मॉर्निंग तो हमारी काफ़ी देर से हुई भी है, और जिस जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और रात को हम कहाँ गए हुए थे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और रात को हम गए हुए थे जी मरघला हिल्स में, जो आग लगी हुई है पहाड़ियों में वो देखने। बच्चे कह रहे थे दिखा के लेके आओ, तो मैं ले गया। और काफ़ी दूर थे हम वहाँ से, लेकिन ये के शाह फैसल मस्जिद से भी नजर आ रही थी सारी। शाह फैसल मस्जिद हम खड़े हुए थे, लेकिन वहां से भी नजर आ रही ये थी। गर्मी की तपिश से झाड़ियां खुश ज्यादा हुई हुई है, जिसमें आग लग जाती है। इससे बेचारे जानवरों का बड़ा नुकसान होता है, कई बेचारे मर जाते हैं की तपिश से। अल्लाह से इस्तगफार करनी चाहिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, मालिक रहम करे। सही बात। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर, तो फिर इंशाल्लाह आप आओगे तो मुलाकात होगी। और आज आज आतिफ ने कुकिंग भी करनी होगी, हाँ। है ना। और सारिम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए बबल खा रहे हैं मेरे पास ही। सारिम कौन से बबल खाए जा रहे हो? लोग कह के गर्मी गर्मी करते हैं और घरों में कंबल ओढ़े, है ना। लोग वाकई कहते होंगे, ये कहते होंगे इतनी गर्मी है और हमारी गर्मी का तोड़ है एसी। इसीलिए हमारे बच्चे कंबलों में बैठे रहते हैं, ये एसी बंद नहीं करते। कमरा रूम ठंडा रहता है और ये ब्लैंकेट ओढ़ के जैनब भी बैठ जाती है और सारिम भी बैठ जाता है। और ये अच्छा है कि चलो गर्मी में बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं खेलते, गली में नहीं निकलते, छत पे नहीं जाते, घरों में ही आराम से बैठे रहते हैं। हाँ, और जब वॉक करते हैं हम लोग गली के अंदर, तो फिर सारिम बाहर निकलते हैं, साइकिल चला ली, स्कूटी चला ली, या फिर आपने हमारा मंडी वाला ब्लॉग देखा होगा। हाँ, मंडी में गए थे सारिम ने। सारिम को तो हाल बुरा हुआ था, इतना गंदा गंदा हो गया था। वो स्टार्टिंग ही थी तकरीबन। हाँ, सही सही सही। तो इंशाल्लाह हम जुमे वाले दिन तक सारिम को कुछ लेके देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि सारिम ने बड़ी जिद्दी की, जितनी महंगाई है एक मुर्गी लेके मुर्गी की कुर्बानी कर देंगे। है सारे मुर्गी ले दे, सस्ती आ जाएगी यार। है नहीं, थोड़ा सा गोश्त होगा डैडी, उसका तो गोश्त भी नहीं होगा। जब हम ज़िबा करेंगे आपको दुख तो नहीं, रोना तो नहीं आएगा आपको? आएगा। कितना रोना आएगा? जब तुम ज़िबा किया था रात को मुझे बड़ा रोना आया था। आए नहीं सदके जाऊ मैं, इतना रोना आया था इस मेले बच्चे को, मासूम से बच्चे को। ओए निशत के चम चम बबल खा रहे, चम चम बबल खा रहे बैठा। उसमें दोनों दुबों को जो जो हमने कुर्बानी की वो सारी तस्वीरें अगर मेरे पास दो तीन तो है मेरा ख्याल से। सारिम दुम्बे की भी लगा देना, सारी तस्वीरें। सारिम दुम्बा, सारिम दुम्बा है कोई? सारिम तो एक प्रिंस है, है ना सारिम शाह। सारिम शाह शावर लेके नहा के ठंडे ठंडे पेपे पहन के और ब्लैंकेट लेके और बैठ चुकी है सकून से, तसल्ली से है, और अब बबल खाई जा रही है। चलो तुसी होके आओ बाहर से। हाँ। और इसके बाद हम डालेंगे जो हम रात को गए हुए थे ब्लॉग वो वाला। हाँ। तो चले अब आप बाहर से हुआ है, फिर हम गपशप करते हैं। सो गाइस हम रात में आए हुए हैं आशा फैसल मस्जिद, है आग ही देखते हैं ना, पता नहीं यहाँ पे लगी हुई तो है। क्या हुआ? सारिम तो बैठ गया वहाँ पे, और हम रात में आए हुए हैं शाह फैसल मस्जिद। हमने कहा जरा बच्चों को घुमा फिरा के लेकर आए। और यहाँ पे दरअसल हमने देखा है मारगला की पहाड़ियों में लगी हुई है आग, तो हमने कहा जरा हम देखे। हम बाहर दूर थे तो ही हमें वो नज़र आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब हम करीब आए हैं तो इतनी कोई नज़र नहीं आ रही। जैनब और सारिम आगे आगे जा रहे हैं हमारे। किस तरफ आए? आ रहे हैं। और रात के टाइम अच्छा वेदर है, आज बादल आए हुए हैं यहाँ पर। और ये है हमारी शाह फैसल मस्जिद। सारिम को बहुत शौक है। सारिम जी वो देखो, वो वहाँ पे ये देखिए, ये हल्की आ रही है ना, थोड़ा जूम करो ना। ये पकड़े मेरी बोतल, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये लगी हुई है मारगला की पहाड़ियों में, आग लगी हुई है। तो जूम करके मैंने दिखाया है।
ये हम हमारा न्यूज़ फौरन हमारा पहुंच जाते हैं, हम न्यूज़ वाले है ना, हमें पता चला है फौरन यहाँ पे आगे अपनी कैमरा लेके कि हम पहले कैप्चर करेंगे। और आए हुए हैं आज ये देखिए प्यारे प्यारे बादल, हल्की फुल्की कोई बूंदा बांदी भी हुई है। और सुनाओ क्या हो रहा है यार, ये सारिम की फरमाइश, गर्मी इंजॉय कर रहे हैं हम, मच्छर ना बस हमें यहाँ मिले। वैसे तो अभी कितनी अच्छी आंधी चली है और कितना अच्छा, वाकई आपने तो शॉर्ट पहनी हुई है लेकिन नहीं काटते मच्छर आपको। चले हम आगे होके लेट्स गो होते हैं और फिर दिखाते हैं हम आपको, अब आगे से कहीं करीब से कुछ नजर आए तो। ये देखें वाकई काफी ज्यादा आग लगी हुई है, ये देखो ये नजर, जूम करके ना मुझे धुंधला सा हो जाता है, ये लगी हुई है थोड़ा सा, फिर ये नॉर्मल कर दो। यहाँ से पता चल रहा है ना, हम लोग अभी वहाँ साइड से करीब गए थे तो वहाँ तो धुआं भी था लेकिन हम वहाँ से आ गए हैं, हमने कहा यहाँ पे नहीं रुकना अच्छा तो इसलिए। और ये है हमारी शाह फैसल मस्जिद और ये है हमारा काका, काके हाय लावा कहाँ से आ गया उसी दे कहाँ दूर तक चले गए हो आपको क्या लग रहा है यार, ये असल में गर्मी इतनी शदीद है ना तो ये जो खुशक झाड़ियाँ होती ना ये उनमें धूप की तपिश से आग लग गई, उनमें ही लगी हुई आ गई है, उसकी वजह से लगती है। हर साल लगती है, इस साल जरा इस साल कुछ ज्यादा लगी है, पहले आधी नजर आई फिर आग नजर आ गई। पहले कहते थे कि वो लोग लगाते हैं लेकिन ये लोग नहीं, ये कुदरती लगती है। अल्लाह मियां तेज बारिश कर दे ना मूसलाधार वाली ताकि ये बुझ जाए, ये दरख्त जा रहे हैं झाड़ियाँ जा रही है, उसमें यार बेचारे परिंदे जानवर उनका बहुत नुकसान है। और सारी माँ आप तो स्कूटी लाए थे चलाने के लिए, आप नहीं चला रहे जो हुआ है सारे, आप नहीं चला रहे स्कूटी। और वहाँ पे है वो क्या कहते हैं वो पीर सुहावा का रास्ता, वो भी छोटी छोटी सी लाइटें नजर आ रही हैं, हमने का जरा चक्कर लगा के आते हैं। अभी उस साइड पर हम गए तो फिर आपको दिखाते, आज मोंकी नजर नहीं आ रहे सारी माँ, आज मोंकी नजर नहीं आ रहे हैं किधर, हाँ वो डॉगी फिर रहा जंगली। हम आए हुए हैं कहाँ पे, जिला सुपर मार्केट, गाड़ी पे बैठ के विजिट हो रहा है जिला सुपर मार्केट का। क्या ले रहे हैं आशीष, तार के थोड़ा बना लो ना, दूध जा रही है, वही मैं इधर से ही बना रही हूँ क्योंकि वो है ना, तार के बना लो ना जरा वो। और अब आए हुए थे जिला सुपर मार्केट जाना, हमने देखने यहाँ पे मेरे कपड़े कौन से कलर के, ग्रीन है ना, अंदर ले लिया अंदर भी है, ये अंदर ज्वेलरी लगी हुई है एंटीक ज्वेलरी, तो यहाँ से देख लो ना अगर यहीं से कोई पसंद आपको आ रही है तो। सारी क्या देख रहे हो, ये वाली फ्रॉक की प्राइस पूछनी है हमने, अब उसकी प्राइस है अंकल 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 से अंदर से पूछो ना इसकी क्या प्राइस होगी। चलो रैन अंदर, और ये यहाँ पे इनकी टिकटॉक के बनने लग जाती है बच्चों की हमारे, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। आए हुए थे जिना सुपर मार्केट, बस ऐसे ही घूमे जरा विजिट किया हमने, और अब हमने कहा अब हम लेट्स गो होते हैं घर की तरफ, एक ही अपा जाते हैं फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे। ले रहे हैं स्लश, दिखाओ स्लश ले रही हो दोनों, चलो कोने पकड़ते जाओ। हम खड़े हुए हैं कहाँ पे आती फैजाबाद, ब्लू एरिया में, ब्लू एरिया में हम आए हुए थे रात को, जरा हम फिर गए पहले शाह फैजल मस्जिद गए, मजेदार हवा है, फिर हम गए हुए थे जिना सुपर जरा, और हम अब आए हुए हैं ब्लू एरिया में, मेट्रो स्टेशन है वाकई ये इस्लामाबाद का। और ये है यहाँ पर इस तरह से, कितना खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम की जगह है ना आतिफ, और ये सबसे खूबसूरत मुझे ये लग रही है जगह, पुल यहाँ पे से जीना एवेन्यू सही। घूमने का ज़रा बाहर चलते हैं, विजिट करके आते हैं बच्चों को, ज़रा घुमा फिरा के लेकर आते हैं घूमने फिरने, हम ज़रा निकले नहीं थे काफ़ी दिनों से। हाँ ये है सामने मुनाल होटल,
जो लाइट नहीं ऑन हुई है। और हमने बस जरा घूम फिर के आए, सारे उतरे नहीं गाड़ी से, है ना? एक मिनट चलें, अब हम चलते हैं, लेस्बो होते हैं गाड़ी में और फिर हम मिलते हैं आपसे। सो गाइस, काम भी हो गया हमारा और आतिफ भी आ गए थे और सारिम शाह पीछे लेटे हुए हैं, सारिम है और उनका आईपैड है। सारिम इधर देखो, माए से बात तो कर लो, खाना भी खा लिया काकू, बात नहीं करनी हमसे? खाना खा लिया। हाँ, आपो आपो के लिए आज मैंने बनाए थे मैक्रोनी, आपो को मैंने दिया था आज सरप्राइज। आए नहीं, आपने नहीं खाना खाया? और मेरा छोटा सा काका पीछे बैठ गया, काका को खाना खिलाते हैं अभी हम। और काका काका फैल क्यों गया, काका जिदियां क्यों कर रहा है इतनी सारी? यार सेम में इतनी गर्मी है, अभी भी वाकई अल्लाह के रात हो गई है और अभी भी तपिश कम नहीं हुई है गर्मी की। सही बात है, ऐसे ही है। क्या लगता हूँ है सारे में आप सब्सक्राइब का कैसे कहोगे लोगों को? और लोग नहीं करते, मैं कहूंगा और लोग ना करें सब्सक्राइब तो फिर क्या करें हम? व्लॉगिंग छोड़ के चले जाओगे? लो, व्लॉगिंग छोड़ के कहाँ जा रहे हो? व्लॉगिंग कह रहा तो फिर व्लॉगिंग छोड़ के ही चला जाऊंगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। ओ सारिम आ गए, फिर आगे आगे आतिफ सारिम आ गए। सारिम लोग लोग अब बताओ कौन है? आप गुस्से से कहोगे तो तब तक के लिए बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।